ये फेशियल इतना इफेक्टिव है कि फर्स्ट टाइम के यूज़ में ही आपको पार्लर से ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। पार्लर में आप जाके फेशियल कराओगे तो बहुत पैसे भी खर्च होंगे और शायद आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट भी ना मिले, लेकिन ये फेशियल जो है ये इतना इफेक्टिव है कि फर्स्ट टाइम के यूज़ में ही आपको इसका जो है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस फेशियल को एक बार आप जरूर ट्राई करें। अगर आप भी चाहते हैं आपका फेस जो है वो चांद जैसा हो जाए तो आप इस फेशियल को एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अर्चना। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम पैसे में एक बहुत ही बेहतरीन फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक बार इस फेशियल को आप ट्राई करें और अपने दिल को आप पूरी तरह से खुश कर दें। तो चलिए इस फेशियल को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें। क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल फेस वॉश से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्लीन बाउल लेना है, उसमें आपको 1 स्पून कॉफ़ी, कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। कॉफ़ी आपके स्किन के जो भी डेड सेल इसके होते हैं उसे हटा के आपके स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। तो 1 स्पून हम इसमें कॉफ़ी लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें हम 1 स्पून सूजी ऐड करेंगे। सूजी को आप पहले थोड़ी देर पानी डाल के सोक करके रख देंगे जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो आप इसमें 1 स्पून सूजी मिक्स करेंगे। इस सूजी क्या करेगा, आपके स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा, बहुत ही फेयर बनाएगा और बहुत ही आप जब अपने स्किन को टच करोगे तो बहुत ही डल स्किन जैसा आपको फीलिंग देगा। तो आपको 1 स्पून इसमें सूजी ऐड करना है। नेक्स्ट हम इसमें 1 स्पून जो है वो हनी ऐड करेंगे। हनी आपके स्किन को, आपके फेस को डीपली मॉइस्चराइज करता है। आपके फेस पे अगर कोई रिंकल्स हैं वो फाइन लाइन्स हैं उसे दूर करता है। इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, घी। देखिए, अगर आपको लगता है कि घी का स्मेल आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे घी क्यों ऐड किया, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे किसी को टाइम से पहले या किसी को एज के कारण जो फेस पे फाइन लाइन्स या रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, वो घी जो है इसमें इतना सुपर हेल्दी फैटी एसिड होता है जो जब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं इस घी को, तो ये पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और आपके फेस पे फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, ये सब हटा के फेस को बहुत ही ग्लोइंग बनाता है। तो इसमें इसलिए मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। अब इन सब देखिए, हमने सूजी को मिक्स किया था, पानी में सोक किया था, तो उसमें भी वो भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, हनी भी डाला। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ये स्क्रब है, मैं स्क्रब और मसाज दोनों साथ साथ लेके चल रही हूँ, तो ये आपको लगता है कि थोड़ा थिक हो गया है तो आप इसमें कर्ड या मिल्क जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इसको ऐसे ही ऐड किया। ऐड करने के बाद इसे आप अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ साथ मसाज भी करते जाएंगे जिससे आपको स्क्रब और मसाज दोनों आपका एक साथ हो जाए। तो आप इसको स्क्रब करते जाएंगे, जो भी प्रेशर पॉइंट है उसे भी प्रेस करते जाएंगे जिससे कि आपके जो फेस पे जो रिंकल्स है वो दूर हो, ग्लोइंग स्किन बने। तो इस तरह से जो है आप मसाज भी करेंगे और आपका स्क्रब भी हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 मिनट्स तक करना है। 3 से 4 मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाउल में वाटर लेना है, कोल्ड वाटर लेना है। उसके बाद कोई भी कपड़े को उसमें डिप करेंगे और उससे अपने फेस को वाइप करना है। फेस वाइप कर लिया, अब आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा मैंने वाइप किया और आप अपने मेरे फेस पे डिफरेंस दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। इसके बाद आप क्या करें, और हाँ, अगर आप सूजी नहीं है या सूजी नहीं लेना चाहते या सूट नहीं करता तो इसकी जगह आप शुगर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन शुगर जो होनी चाहिए वो ग्राइंड की होनी चाहिए। ये सारा करने के बाद आप जब अच्छे से वाइप कर लोगे उसके बाद आपको फेस को वॉश कर लेना है।
जब आप अपने फेस को वाइप कर लेंगे तो और जो पेस्ट आपके पास बचा हुआ है उसमें ही आपको 1 स्पून जो है वो सैंडलवुड पाउडर लेना है। देखिए सैंडलवुड पाउडर जो होता है वो फेस के स्पॉट को दूर करने के लिए, फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए, फेस को वाइट बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन आपके पास सैंडलवुड पाउडर नहीं है या स्किन को नहीं सूट करता है तो इसकी जगह आप वीट फ्लावर लेंगे। इसमें आप इसको मिक्स करेंगे और इसे आप अपने फेस पे अच्छे तरह से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे आपको 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए 15 मिनट्स बाद आपको फेस का डिफरेंस दिखाती हूँ मैं। 15 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं फेस जो है वो कितना, वॉश करने के बाद, वॉश कर लिया वो क्लॉथ से वाइप करके वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद आप अपने फेस का खुद डिफरेंस देख लीजिए। चाहे तो आप पहले का पिक ले लें और उसके बाद का पिक लेके देख सकते हैं कि अपने फेस पे आपके कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, रिजल्ट तो आपको मिलेगा, इतना मैं गारंटी देती हूँ आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और फेस पे देखेंगे आपके बहुत ज़्यादा निखार आएगा। क्योंकि आप केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करेंगे वो थोड़े दिनों के लिए होता है और बाद में क्या होता है जल्दी ही फेस पे जो है रिंकल्स और डलनेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कोशिश करें नेचुरल रेमेडी आप ट्राई करें और ट्राई करके आप मुझे इसका जो फीडबैक है मेरे साथ शेयर करें कि आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर दे दें मेरे वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, इसके साथ ही एक बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दें जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो मेरा आई रिंकल का वीडियो है वो आप लोग को बहुत पसंद आया, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो जैसे आप मुझे इंस्टा पर DM करते हैं आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।